देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसमें हम किस किस के बारे में बात करेंगे? पहले है सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा ये है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा इंटेस्टिनल ग्लैंड, सॉरी चौथा है लीवर, फोर्थ है क्या लीवर, फिफ्थ क्या है, फीस क्या है, गॉल ब्लैडर, एंड सिक्स में है पैंक्रियास। तो इतना सारा ग्लैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पहले आते हैं फर्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड, राइट। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम लोग पीपीटी में देखेंगे। तो इसमें थ्री टाइप्स का, थ्री नहीं एक्चुअली फोर टाइप्स का प्लस उसका जो फोर है वो हमारे अंदर नहीं होते, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज द सबमैंडिबुलर, बुलर, थर्ड इज द सबलिंगुअल, एंड लास्ट वन जो है वो है इंफ्रा ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाज़ द पैरोटिड ग्लैंड, राइट। सो पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन हम देखेंगे, उसके आगे बोलते हैं दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स जो है, इसका पोजीशन कहाँ पे है देख लेते हैं, इसका पोजीशन कहाँ पे है देख लेते हैं। देखो अभी स्क्रीन शेयर देखो, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड जस्ट बीनिथ द ईयर, हियर दिस इज द पोजिशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद देखो सबमैंडिबुलर कहाँ पे रहते हैं, ये गाम के साइड में, और सब लिंगुअल कहाँ पे रहते हैं, लिंगुअल का मतलब मैंने उस दिन तुम लोगों को ही बोला था कि टांग से जुड़ा हुआ है, सो बीनिथ द टांग, ठीक है। तो ये है पोजिशन ऑफ थ्री ग्लैंड, एंड लास्ट वन इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड रैबिट, सो यहाँ पे तो देखने का कोई चांस नहीं है। तो दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, देन मैंडिबुलर, सॉरी देन मैंडिबुलर, देन सबलिंगु, सब मैंडिबुलर देन सबलिंगुअल। तो देख लिया इसको, अभी बोर्ड में देखो। अच्छा ये यहाँ पे तो है ना, ये ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, ये इसका जो डाक्ट है वो डाक्ट के थ्रू जो मोलर टीथ है उसमें ओपन होता है, मतलब टीथ में नहीं, मोलर टीथ के साइड में ओपन होता है, ठीक है। सो वो डाक्ट को हम बोलते हैं स्टेम्स एंड डाक्ट। क्या डाक्ट बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ उसका स्पेलिंग, स्टेंसन्स डाक्ट कहाँ पे ओपन होते हैं, अपर सेकेंड मोलर जो है, अपर सेकेंड मोलर जो है उसके ऊपर बकल कैविटी में, ये स्टेंसन्स डक्ट के थ्रू वो पैरोटिड ग्लैंड का ओपनिंग होता है, ठीक है। तो एंड पैरोटिड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है सेरस लाइक फ्लूइड, इसमें क्या एंजाइम रहते हैं, एंजाइम है जायलिन, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है सलाइवा, उसमें एंजाइम रहता है जायलिन और सलाइवरी एमाइलेज,
ठीक है। अभी आते हैं साब मैंडिबुलर में। साब मैंडिबुलर कौन सा पोजीशन में है? ये मीडियम साइज का ग्लैंड है, हमने देखा। ये जो लोअर इंसीजर है ना, लोअर जो इंसीजर है यहाँ पे ओपन होते हैं थ्रू वर्टन्स डा, थ्रू वर्टन्स डा, थ्रू वर्टन्स डा सेकेंड सॉरी लोअर जो ये है लोअर में इंसिजर, लोअर सेंट्रल इंसिजर के पास, नियर लोअर, नियर लोअर सेंट्रल इंसिजर, ठीक है, ये थ्रू वार्डन्स डक यहाँ पे ओपन होते हैं। सबलिंगुअल, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, सबलिंगुअल इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहता है? ये बकल कैविटी के फ्लोर में रहता है, तो बहुत स्मॉलर डक्ट्स होता है जिसको बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस, डक्ट्स ऑफ रिविनस, डक्ट्स ऑफ रिविनस के थ्रू ये लोअर पार्ट में होता है टांग के नीचे या तो ओपन होते हैं। सो ये था तीन जो ह्यूमन में पाया जाता है, एक है पैरोटिड, एक है सब मैंडिबुलर, एक है सबलिंगुअल। सो पैरोटिड जो है, मैम नॉट एबल द, आई विल जस्ट सी द टॉप लाइंस, टॉप लाइंस में बेटा क्या है, और तो कुछ नहीं है। ओके, लाइट की वजह से हो सकता है। मैंने लिखा ज़ायलिन, पी टी वाई ए, पी टी वाई ए एल आई एन, पी टी वाई ए एल आई एन, और सैलिवरी एमाइलेज, और सैलिवरी एमाइलेज मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, ज़ायलिन और सैलिवरी एमाइलेज, ओके। टाइप्स रिपीट करती हूँ, तीन टाइप्स का है, एक है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है? ये ईयर के ठीक नीचे, ठीक है। ये कहाँ पे ओपन होता है? ऊपर जो मोलर टीथ है, सेकेंड मोलर टीथ के साइड ओपन होता है, थ्रू सेंसेंस डक्ट। इसका जो सलाइवरी सिक्रेशन है उसमें ज़ायलिन एंजाइम, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रहता है। उसके बाद आते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर यहाँ पे रहता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो है, सब मैंडिबुलर वर्टन डक्ट से ओपन होता है, कहाँ पे? नियर लोअर सेंट्रल इंसिसर के पास ओपन होता है। और इंफ्राऑर्बिटल, सॉरी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड इट इज प्रेजेंट बीनीथ द टंग, एंड ये थ्रू डक्ट ऑफ रिविनस ओपन होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल डक्ट होते हैं, उसको एक साथ करके बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, एंड द इंफ्राऑर्बिटल आई हैवंट टेल इट येट, ओके। ये ऑर्बिटल जो वर्ड है इसके साथ क्या जाता है? आई जाता है ना, तो ये आई के नीचे है, आई के नीचे जो होता है इसको बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हम लोगों में नहीं है, मतलब ह्यूमन में और रैबिट में ये प्रेजेंट नहीं है, पर डॉग कैट ये सब एनिमल्स में ये प्रेजेंट है। सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, दिस इंफ्रा ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड रैबिट, ओके। अभी देख लो, ये जो मैंने बोला इंफ्राऑर्बिटल, अभी स्लाइड शेयर में देखो, ये देखो, ये डियर का पिक्चर देख रहे हो, डियर का पिक्चर में ये जो आई के पास जो कर्व है ना, आई के पास जो कर्व है ये पोजीशन में, ये पोजीशन में जो कार्व है इसको बड़े करके दिखाया, ये है इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड, दिस इज द इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट इज हियर, सो दिस इज द इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड, ओके।
दिन जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, दिन जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है पहले देख लेते हैं ना, उसके बाद किसी को क्या बोलना है देख लेती हूँ। अभी ठीक है किस्वा, आई हैव रिपीटेड। ओके सो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें एक होता है कार्डियक ग्लैंड, उसमें होता है ऑग्मेंटिक ग्लैंड, उसमें होता है पाइलोरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड होता है। ठीक है, अच्छा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, अभी इसको इरेज करती हूँ। अभी इसको इरेज कर देती हूँ, तुम लोग बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो इस करके। ये इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सब है वो कहाँ पे है, स्टोमक में है, वो कहाँ पे स्टोमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये स्टोमक में हम लोगों ने कितना ग्लैंड दे सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड इसमें एक देख सकते हैं, कार्डिया एक देख सकते हैं, ऑग्मेंटिक और मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑग्मेंटिक एक होता है, पाइलोरिक एक होता है, पाइलोरिक। ठीक है, अदर बहुत सारे हैं। तो ये तो ग्लैंड्स है, सो फर्स्ट है ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक सॉरी कार्डियक ग्लैंड्स जो है, मैंने बोला था ना दोनों पार्ट होता है, एक होता है कार्डियक ओरिफाइस, एक होता है कार्डियक ओरिफाइस, एक होता है पाइलोरिक ओरिफाइस। सो कार्डियक ओरिफाइस के पास जो ग्लैंड होता है they are located in a narrow band around the cardiac orifice. ठीक है, उसको हम बोलते हैं cardiac gland. तो ये cardiac orifice के पास है, located around cardiac orifice. ठीक है, अभी देखो ऑग्मेंटिक जो है, ऑग्मेंटिक क्या बोल रहा है, ऑग्मेंटिक जो है दे ऑफ द फंडिक पार्ट एंड कॉर्पस, मतलब बॉडी जो स्टोमक का क्या था, वो बॉडी पार्ट जो था ना, बहुत बुरा हुआ डायग्राम, जो बॉडी पार्ट जो था ना, ये जो पार्ट था बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में क्या है ऑग्मेंटिक सेल्स। ठीक है, बॉडी पार्ट में क्या है ऑग्मेंटिक सेल्स, एंड दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट न्यूमरस प्लास्टिक ग्लैंड्स आर देयर इन द ऑग्मेंटिक ग्लैंड। अभी क्या है ऑग्मेंटिक पार्ट में, वो सेल्स भी है, वो बाद में आएंगे। ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंट इन द फंडिक पार्ट, फंडिक एंड बॉडी पार्ट। कार्डिया कॉरिफाइस लोकेटेड अराउंड कार्डिया कॉरिफाइस, ORIFICE। पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड ऑब्वियसली कार्डिया का कार्डियक पार्ट में है, ये पाइलोरिक पार्ट में ही है, इन पार्ट जो होता है पाइलोरिक पार्ट में है। ठीक है, एंड मोस्टली म्यूकस सिक्रेटिंग एंड सम ऑग्मेंटिक एंड जाइमोजेनिक सेल्स आर ऑल्सो हियर। ठीक है, इसमें कौन सा सेल रहता है, ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये पाइलोरिक रीजन में है, इसमें जी सेल रहता है। ठीक है, जी सेल रहता है जो क्या सिक्रेट करते हैं, सॉरी जी सेल रहता है वो क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, क्या करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पाइलोरिक रीजन में है जी सेल। ठीक है, अभी तीन ग्लैंड्स के बारे में मैंने बोल दिया,
कि ये कार्डियक ग्लैंड है, ये ऑग्जेक्टिव ग्लैंड है, ये पाइलोरी ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड में सेल कौन कौन सा है, अब ये ग्लैंड में सेल कौन कौन सा है, सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, तुम लोग फुल फॉर्म में देखो म्यूकस नेक सेल्स। ये जो है ये क्या एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करता है, एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, एल्कलाइन म्यूकस नेक सेल्स, एनीसीके नेक जो ये होता है गठन। अभी क्या है ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल, ऑक्सेंटिक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल, पैराइटल सेल वो क्या है ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल में, ये जो है ये जो भी ग्लैंड है मतलब ऑक्सेंटिक ग्लैंड का सरफेस एरिया में रहता है, ठीक है। पायोरिक के बाद मैंने लिखा जी सेल, जी जी फॉर गुड, ठीक है, उससे गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है। ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल जो है वो किसी भी ग्लैंड का सरफेस पार्ट पे रहता है, ठीक है, इससे क्या सिक्रेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है। HCl and CIA, HCl and CIA, CIF का एक नाम है Cassel's intrinsic factor, क्या नाम है CIF का, Cassel's intrinsic factor। ये जो CIF है ये intestinal absorption में help करते हैं vitamin B12 का, बाद में मैं फिर से रिपीट करूंगी। तो एमएनसी हो गया म्यूकस नेक सेल्स, एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ऑक्सेंटिक और पैराइटल सेल जो है वो एचसीएल एंड सीआईएफ रिलीज करते हैं, ठीक है। अभी देखो चीफ और पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल, चीफ और पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल, ठीक है। तो जाइमोजेनिक सेल्स जो है दे फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, वो क्या करते हैं वो प्रिकर्सर पार्ट, मतलब सोचो रेनिन का नाम सुना, रेनिन एंजाइम का, सो रेनिन एज अ रेनिन सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है, वो प्रिकर्सर फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रो रेनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रो रेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है। तो ये जो चीफ और पेप्टिक सेल्स है ना ये प्रोरेनिन को सीक्रेट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म, ये बाद में कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो चीफ और पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल जो है वो प्रोरेनिन रिलीज करेगा। और क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, बहुत सारे चीज रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक एमाइलेज, मैं गैस्ट्रिक नहीं लिख रही हूँ, जी एमाइलेज, जी लाइपेज, ऐसे बहुत सारे सिक्रेशन होता है थ्रू चीफ और पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल, ठीक है बेटा। तीन हो गया तो स्टोमक में तीन ग्लैंड होता है, थ्री ग्लैंड्स आर देयर, वन इज कार्डियक ग्लैंड, वन इज ऑक्सेंटिक ग्लैंड एंड अदर इज द पाइलोरी ग्लैंड। तो कार्डियक ग्लैंड जो है, कार्डियक ग्लैंड जो है वो कार्डियक ऑरिफिस के आसपास है, और ऑक्सेंटिक जो है वो फंडिक एंड बॉडी पार्ट में है, एंड जो पायलोरिक पार्ट में है, जो पायलोरिक ग्लैंड, पायलोरिक ग्लैंड में क्या है, जी सेल है जिससे गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है। अभी ये जो ग्लैंड है इसका सेल में आते हैं, सेल अभी तक मैंने तीन सेल का नाम बोला, एक है म्यूकस नेक सेल जिससे एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेशन होता है, देन ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल से क्या सीक्रेशन होता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सीआईएफ एंड एचसीएल, देन पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल, और चीफ सेल जिससे प्रिकर्सर फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम रिलीज होता है जिसे प्रोरेनिन, एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज इन एक्टिव फॉर्म, दैट इज नॉट इन द इनएक्टिव फॉर्म, ओके डन।
देन अर्जेंट ऑफ इन सेल और एंटर एंडोक्राइन सेल, ठीक है, अर्जेंट ऑफ इन सेल और एंटर एंडोक्राइन सेल. ये कहाँ पे लिखूँ मैं, इधर लिख देती हूँ. हाँ, एक दो तीन विचार. CIF stands for Castle Intrinsic Factor. Entero endocrine cell. इसमें इसमें तीन टाइप का सेल होता है, ठीक है, तीन टाइप का सेल होता है. एक होता है G सेल, एक होता है G सेल और एक होता है एंटेरोक्रोमैफिन सेल. क्या होता है? एंटेरोक्रोमैफिन सेल. इसमें से जो जी सेल है उससे गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेशन होता है. जैसे ये एंटेरो एंडोक्राइन में भी जी सेल है और पाइलोरिक में भी जी सेल है, ठीक है. जी सेल से क्या सीक्रेट होगा? गैस्ट्रिन, हम पहले ही जानते हैं. डी सेल से क्या सीक्रेट होता है? सोमैटोस्टैटिन, जो पैंक्रियास से भी होते हैं. सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल, हम बोलते हैं ना डेल्टा सेल. डी सेल एंटेरो एंडोक्राइन, ये अभी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से पढ़ रही हूँ, पर बाद में वो पैंक्रियास में भी देखूंगी, ठीक है. और एंटेरोक्रोमाफिन में क्या है? एंटेरोक्रोमाफिन जो है वो सेरोटोनिन हिस्टामिन ये सिक्रेशन करता है. ये क्या सिक्रेशन करता है? सेरोटोनिन हिस्टामिन, ठीक है. ये सिक्रेशंस आर थ्रू एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स. ओके, गॉट इट? के इंटेस्टिनल सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन पार्ट हो गया. सेल हो गया कितने टाइप का? चार टाइप का. लास्ट में जो एंटेरोएंडोक्राइन था उसमें फिर तीन टाइप का आ गया. उसमें अगर डी सेल, जी सेल एंड एंटेरोक्रोमाफिन सेल, उसमें से डी सेल स्टैंड फॉर सोमैटोस्टैटिन, जी सेल स्टैंड फॉर गैस्ट्रिन एंड द थर्ड वन इज द एंटेरोक्रोमाफिन जो सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ठीक है. डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अभी देखो. थर्ड इज द इंटेस्टिनल ग्लैंड. इंटेस्टिनल ग्लैंड, इसको इस साइड को मैं इरेज करती हूँ. इंटेस्टिनल ग्लैंड में क्या है? क्रिप्स ऑफ लीवर कून एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. इंटेस्टिनल ग्लैंड में है क्रिप्स ऑफ लीवर कून एंड ब्रूनर्स ग्लैंड. एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है. सो क्रिप्स ऑफ लिवर कून, अब पीपीटी में आओ, थोड़ा पीपीटी में क्रिप्स ऑफ लिवर कून को देख ले, देख लो. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक बार देख लो. गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो बोला ना, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस सेल, जो सब है ये उसका ही पिक्चर है.
ये रेड कलर का जो सॉरी येलो कलर का जो सेल्स है वो जी सेल, उसके बाद जो स्लाइट येलो है वो है चीफ सेल, और ब्राउन कलर का है पेराइटल सेल, और ऊपर जो है व्हाइट कलर का वो है म्यूकस सेल। ठीक है, अभी हाँ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन, ये देखो ये है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन। ठीक है, ये एक विली लाइक स्ट्रक्चर है, इसका पास में जो आउटग्रोथ है, इसका पास में जो आउटग्रोथ है, ये दोनों के अंदर जो स्पेस है इसको बोल रहे हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन। ठीक है, इसको बोल रहे हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन। अच्छा, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन जो है ये ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, साका सेंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, साका सेंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस, सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द विली एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज प्रेजेंट बिटवीन, बिटवीन को बी बाय डब्ल्यू, विली एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही लिखा मैंने। ठीक है, व्हाट इज वर्ड ऑफ द रीजन ऑफ द लिवर, लिवर के बाद लिखा सोमैटोस्टैटिन। जी सेल से सीक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन, जी सेल से सीक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या बोला, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन प्रेजेंट बिटवीन विली एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट सीक्रेट्स व्हाट, इट सीक्रेट्स एक्चुअली इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो डुओडिनम में पाया जाता है, सबम्यूकोसा में, डुओडिनम में, डुओडिनम विद इन सबम्यूकोसा, विद इन म्यूकोसा। ठीक है, जोड़ी नाम में सबम्यूकोसा लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, अभी देखो लीवर, ये दोनों हो गया, ये दोनों लिख लो, फिर मैं लीवर में जाती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बोर्ड का। अभी देखो लीवर में आते हैं, लीवर में देखो, लीवर का जो डायग्राम है वो पीपीटी से ही देखना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉ करना मुश्किल है। लीवर इज द लार्जेस्ट, वी नो दैट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी। इसका राइट एंड लेफ्ट लोब, राइट ये है राइट लोब जो बड़ा है, और ये है लेफ्ट लोब। ठीक है, अभी ये दोनों जो लोब्स है इसके यहाँ पे जो पार्ट है देख सकते हो जो ज्वाइन कर रहा है, इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। क्या बोलते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है ना, बोथ लोब्स आर ज्वाइंड बाय दिस फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, सो ईच जो लोब है, ये जो लोब है राइट लोब लेफ्ट लोब, ये लेफ्ट एंड राइट लोब इज डिवाइडेड इंटू इंटू व्हाट, हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो ये देखो, हाँ ये जो लोब्स था ये हेपाटिक लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द हेपाटिक लोब्यूल्स। ठीक है,
और ये जो लोब्यूल्स है दिस इज कनेक्टेड बाय एक्चुअली कनेक्टेड बाय एंड कवर्ड बाय अ कैप्सूल दैट इज नोन एज द ग्लीसन कैप्सूल दैट इज नोन एज द ग्लीसन कैप्सूल ठीक है। मैं पीपीटी में लिख रही हूँ देखो ग्लीसन कैप्सूल कैप्सूल तो जानते हो स्पेलिंग। सो ये जो लोब्यूल्स जो है हिपेटिक लोब्यूल्स मतलब ईच लोब में ये लोब्यूल्स रहता है ईच लोब्स में ये लोब्यूल्स रहता है और ये लोब्यूल्स जो है उसके ऊपर मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर बोल सकते हो इसको कवर करके ये ग्लीसन कैप्सूल रहता है ठीक है। और ये कैप्सूल में क्या रहता है ब्लड साइन्यूसेस हेपेटिक डक्ट्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स बहुत कुछ रहता है। देन ईच जो लोब्यूल है ना ये जो लोब्यूल तुम लोग देख रहे हो इसमें क्या है हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स है। ये जो हेपेटोसाइट्स देखो हेपेटोसाइट्स है इसमें ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स जो है ये रोज में रहता है और प्रोड्यूस क्या करते हैं हेपेटिक कॉर्ड प्रोड्यूस क्या करते हैं हेपेटिक कॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये डायग्राम में देखो ये हेपेटोसाइट्स एक लाइन बराबर आ रहा है ना तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हेपेटिक कॉर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है। एंड दिस हेपेटोसाइट्स आर सेपरेटेड बाय बाइल कैनाल्यूली ये देखो बाइल है बाइल डक्ट है ना ये ग्रीन कलर का तो ये बाइल डक्ट क्या कर रहा है ये एक हेपेटोसाइट का कॉर्ड है ये एक हेपेटोसाइट का कॉर्ड है दोनों के मध्य क्या है ये बाइल डक्ट है ठीक है। और ये जो बाइल डक्ट जो है बाइल डक्ट के अंदर क्या होता है स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या हेरिंग्स कैनल राइट। मैं और कोई कलर से देखते हूँ कैनल ऑफ हेरिंग्स ये जो बाइल डक्ट है बाइल डक्ट के अंदर जो ओपनिंग होता है शॉर्ट इसको हम बोलते हैं हेरिंग्स कैनल ठीक है। और क्या होते हैं ये अभी तो ये समझ में आ गया ना मैं बोर्ड में पॉइंट कर देती हूँ कौन कौन पॉइंट मैंने बोला लीवर का लीवर का कौन कौन पॉइंट मैंने कवर किया देखो एक है दोनों लोब के बारे में मैंने बोला देन एक लिगामेंट के बारे में बोला जिसको हम बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट इसके बारे में बोला देन क्या बोला था हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में बोला था ये जो लोब्यूल्स है इसमें क्या रहते हैं हेपेटोसाइट रहते हैं उसके बारे में भी बोल दिया हेपेटोसाइट्स फिर हेपेटोसाइट्स के बाद क्या बोला हेपेटोसाइट्स के बाद बोला कि हेपेटोसाइट्स एक रो फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड जिसको बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड उसके बाद बोला बाइल कैनालिक्यूली और बाइल कैनल्स जो था उसके बाद क्या उसके आगे सॉरी हेपेटिक हेपेटोसाइट्स बोला था हेपेटिक लोब्यूल्स बोला था यहाँ पे और एक चीज बोला था ग्लीसन कैप्सूल भी बोला था उसके बाद हेपेटोसाइट देन हेपेटिक कॉर्ड देन बाइल कैनल देन हेरिंग्स कैनल हेरिंग्स कैनल ये सब चीजें मैंने दिखाया पीपीटी में राइट ये सब चीजें मैंने पीपीटी में दिखाया। ये है हेरिंग्स कैनल ये है हेपेटिक लोब्यूल इसमें जो हेपेटोसाइट्स है ये हेपेटोसाइट्स क्या फॉर्म करते हैं हेपेटिक कॉर्ड फॉर्म करते हैं और ग्लीसन कैप्सूल क्या होता है ग्लीसन कैप्सूल का कोई पिक्चर नहीं है ग्लीसन कैप्सूल जो है ये हेपेटिक लोब्यूल्स जो है इसको एक तो ज्वाइन करने में हेल्प करता है इसको शेड मतलब फॉरवर्ड करके रखते हैं और जो ग्लीसन कैप्सूल है उसमें ब्लड साइनोसॉइड्स ब्लड वेसल्स हेपेटिक डक्ट्यूल्स बहुत कुछ रहते हैं और इन दोनों लोब है दोनों लोब में से एक राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों जॉइंट है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा ठीक है हो गया। अभी देखो
डक्ट्स में आते हैं, ये तो क्लियर है ना। अभी डक्ट्स में देखो, डक्ट्स में क्या है, ऑल हेपाटिक डक्ट्स, ऑल हेपाटिक डक्ट्स, ये देखो ये पिक्चर शायद समझ में आएगा। ऑल हेपाटिक डक्ट्स जो है वो एक साथ होके, ये देखो राइट मीडियल हेपाटिक डक्ट, राइट मेन हेपाटिक डक्ट, ये सब मिलके, ये ग्रीन कलर का जो डक्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन हेपाटिक डक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट। ये कॉमन हेपाटिक डक्ट फिर गॉल ब्लैडर से जो आ रहा है सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, तो सिस्टिक डक्ट के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। सो क्या होते हैं, फॉर्मिंग अ लार्ज हेपाटिक डक्ट इन ईच लोब, ऑल हेपाटिक डक्ट्स ऑफ अ लोब कंबाइन टू दोस फॉर्म अ सिंगल मेन डक्ट और हेपाटिक कॉमन हेपाटिक डक्ट। ये कॉमन हेपाटिक डक्ट अभी सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अभी दोनों जुड़ के क्या फॉर्म करते हैं, दोनों जुड़ के बाइल डक्ट फॉर्म करते हैं। अभी ये बाइल डक्ट सिर्फ अकेला नहीं रहेगा, बाइल डक्ट भी जुड़ेगा पैनक्रेटिक डक्ट के साथ। पैनक्रेटिक डक्ट कौन सा है, देखो ये पिक्चर में देखो, ये क्या था, कॉमन बाइल डक्ट था, क्योंकि इसमें हेपाटिक डक्ट भी है सिस्टिक डक्ट भी है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये आ रहा है। और ये देखो पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है, पैनक्रियास का स्ट्रक्चर में, पैनक्रियास का जो स्ट्रक्चर है इसमें ब्राउन कलर से जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है किसके साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है ना, कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट दोनों डक्ट मिलके यहाँ पे ओपन होता है, और ओपनिंग जो हो रहा है इसको अभी क्या बोलेंगे, इसको अभी बोलेंगे हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। और ओपनिंग में एक स्फिंक्टर है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, मैं बोर्ड में एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। मैं बोर्ड में दिखाती हूँ, ये पॉइंट्स तो हो गया। अभी देखो बहुत सारा हेपाटिक, सोचो ऐसे बहुत सारा हेपाटिक लोब्यूल से उससे डार्ट आ रहा है, ठीक है। ये डार्ट आके एक साथ होके क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, हेपाटिक डार्ट, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, हेपाटिक डार्ट। अभी ये जो हेपाटिक डार्ट है ये आ रहा है ऐसे, आते आते उसको मिल गया और एक डार्ट, वो है गॉल ब्लैडर से आया था, गॉल ब्लैडर का डार्ट जो है सिस्टिक डार्ट बोलते हैं इसको, सिस्टिक डार्ट, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये फॉर्म कर गया कॉमन बाइल डार्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डार्ट, ठीक है। अभी एक सेकेंड, हाँ अभी देखो यहाँ पे था पैनक्रियास, ठीक है, सोचो ये था पैनक्रियास, सो पैनक्रियास से एक डार्ट आ रहा था, वो अभी इससे मिल गया, वो देखा वो आ रहा है तो उसके साथ ही चले जाती हूँ मैं, तो ये तक आया था, अभी पैनक्रियास का डार्ट भी इसमें आ गया, तो ये था पैनक्रेटिक डार्ट, ठीक है, ग्रीन कलर का था पैनक्रेटिक डार्ट। अभी पैनक्रेटिक डार्ट भी इसके साथ मिल गया, मिलके क्या फॉर्म करेगा, ये मिलके क्या फॉर्म करेगा, इसको अभी बोल रहे हैं, इसको अभी बोल रहे हैं क्या, हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट, हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। और हम जानते हैं ना वो एपर्चर का डायमीटर कंट्रोल करने के लिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए स्फिंक्टर होते हैं, तो हेपाटोपैनक्रेटिक डक्ट में एक स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। मैंने एक सिंपल डायग्राम कर दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है।
अभी देखो लीवर का फंक्शन क्या क्या है। लीवर का बहुत सारे फंक्शन है। एक तो बाइल सिक्रेशन है। बाइल सिक्रेशन वो लीवर से ही होता है। वो स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये जो बाइल जो पिगमेंट है इसमें बिलिरुबिन है, और बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन। बाइल का क्या रोल है हम बाद में देखेंगे इसका रोल। ठीक है, एक तो होता है ये अल्कालाइन सिक्रेशन करते हैं, इसी वजह से इमल्सिफिकेशन होता है। वो फूड डिस्ट्रॉय मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे फूड का कोई डीके ना हो, मतलब सड़ ना जाए। और हेपाटिक्स और हेपाटोसाइट जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। हम जानते हैं कि एक साइकिल चलता है लीवर में, मतलब लीवर में वो यूरिया प्रोड्यूस करने का। तो इसमें क्या होता है, यूरिया प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और क्या क्या है, लीवर एक्स एज अ ब्लड फिल्टर। ठीक है, वो उसमें जो एजेड एंड वर्न आउट कॉर्पसेस जो है उसको रिमूव कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, पर आयरन को रख देते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा था ये तो हो गया, इसको यूज कर रही हूँ। एक होता है बाइल सिक्रेशन, देन एक्सेस फिल्टर, देन सिंथेसाइज यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, देन क्या है, जो मैमेलियन लीवर है इसमें कुछ फैगोसाइट्स है जिसको हम मैम व्हाट इज रिटन आफ्टर अंडर सिस्टिक एंड कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट। ये है ग्रीन कलर का जो है वो है पैनक्रेटिक डक्ट। ये है पैनक्रियस, इसमें से जो डक्ट निकाला ये है पैनक्रेटिक डक्ट, एंड दोनों मिलके हेपाटो सॉरी कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट मिलके जो फॉर्म कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट। ठीक है, ये है पैनक्रेटिक डक्ट, ये है हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट। ठीक है, तो क्या बोला, सिंथेसाइज यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, देन इसमें एक सेल रहता है उसको हम बोलते हैं कफर सेल, कुफर सेल, डबल एफ होगा, कूपर सेल। ठीक है, ये ओर्न आउट जो डब्ल्यूबीसी है, मतलब जो काम का नहीं है, और ओर्न आउट जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है एंड बैक्टीरिया है उसको रिमूव कर देते हैं। इट एक्ट्स एज द फेगोसाइट, इट एक्ट्स एज फेगोसाइट। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, लीवर सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, विटामिन ए डी बी 12, इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लिम्फ फॉर्मेशन। ठीक है, और जो है हेपाटोसाइट्स जो है ना वो हेपरिन सिक्रेट करते हैं। हेपरिन क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। हेपरिन सिक्रेट करते हैं कौन, हेपाटोसाइट, जो प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंट क्लॉटिंग। ठीक है, ये था एक। और क्या है, लीवर में दो प्रोसेस चलते हैं हम जानते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइको जेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, और एक एसिड फॉर्म होता है मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, उसका नाम है प्रूसिक एसिड। ठीक है, वो रिलीज भी करता है और एब्जॉर्ब हो जाता है लीवर में बाय हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो
क्या नाम है? प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड ये हार्मफुल एसिड है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है, पर ये एब्जॉर्ब कौन करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हेपेटोसाइट्स एंड इसको हार्मलेस बनाता है, ठीक है। तो ऐसे लीवर काम करता है कि एक है बाइल, एक होता है बाइल सिक्रेट करता है, एक एक्ट्स एज अ फिल्टर, दो तीन है सिंथेसाइज यूरिया फॉर एक्सक्रीशन, फोर्थ है कफर सेल्स जो है वो फैगोसाइटोसिस द्वारा वर्न आउट आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड जो बैक्टीरिया से उसको निकाल देते हैं। हेपारिन जो है, हेपारिन प्रिवेंट क्लॉटिंग एंड ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस ये टर्म का मतलब है, व्हाट इज रिटन अंडर यूरिया, यूरिया का नीचे क्या है? फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन। ग्लाइकोजेनेसिस, द मीनिंग ऑफ दिस जेनेसिस मीन्स तैयार होना, ठीक है, मतलब टू मेक। सो ग्लाइकोजेन जब तैयार होगे तो तभी हम इसको बोलेंगे जेनेसिस, टू मेक, ठीक है। सो यहाँ पे ग्लाइकोजेन का मेकिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई ग्लाइकोजेनेसिस। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब है टू ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजेन जो प्रोड्यूस हुआ है वो ग्लाइकोजेन का ब्रेक होगा, तो ब्रेक जब होगा तो लाइसिस, और जब ग्लाइकोजेन तैयार होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस। ये दोनों टर्म को याद रखना, फिर वो सिंपल सा हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट किस में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो बाइल जो सीक्रेट होता है हेपाटिक सेल्स से, वो हेपाटिक डक्ट के द्वारा स्टोर होता है, किसमें? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। पर ये गॉल ब्लैडर जो है वो सभी में नहीं होता है, जैसे बर्ड्स में, रैट में, व्हेल में एंड हॉर्स में ये नहीं होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, क्यों स्टोन होता है? जो कोलेस्ट्रॉल, जो कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड बिलिरुबिन जो बाइल में होता है ना, वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, बाइल से बाहर आ जाता है एंड प्रोड्यूस गॉल स्टोन्स। जो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट्स, जो बिलिरुबिन, ये सब जो होता है, लाइसिस का मीनिंग है टू ब्रेक, टू ब्रेक, मतलब ग्लाइकोजेन का जब ब्रेकिंग हो रहा है तब ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जब हो रहा है तभी ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजेन का ब्रेक हो रहा है, हाँ। तो गॉलब्लैडर में क्या बोल रही थी? गॉलब्लैडर में बोल रही थी कि जब भी कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बिलिरुबिन ये सब बाइल से निकाल के अलग से मतलब स्टोर हो जाएगा, तभी ये गॉलस्टोन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड ये अभी तो विदाउट सर्जरी इसको रिमूव करना पॉसिबल है, जिसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। अच्छा, अभी देखो पैनक्रियास में क्या है, पैनक्रियास का भी पिक्चर देखना पड़ेगा, पैनक्रियास का भी पिक्चर देखना पड़ेगा। पैनक्रियास में देखो दोनों पार्ट होता है पैनक्रियास में, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट जो इधर है, और एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट जो इधर है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे एसिनर सेल्स होता है, कौन सा सेल होता है? एसिनर सेल्स, ठीक है, बहुत सारे एसिनर सेल्स होता है एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ सीक्रेटरी सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल है इसका जो देखो पिरामिडल सेल से पूरा मतलब सराउंडेड है, ये जो सेल का जो अंदर जो कैविटी है दैट इज सराउंडेड बाय द पिरामिडल सेल्स, पिरामिडल शेप सेल्स, राइट, मतलब लाइंड बाय पिरामिडल सेल्स। एंड दीज एसिनी जो सीक्रेट करते हैं वो है एंजाइम, ठीक है, ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जूस सीक्रेट करते हैं ये एसिनर एक्सोक्राइन पार्ट। ये हार्मोन सीक्रेशन यहाँ से नहीं हो रहा है, राइट, एक्सोक्राइन पार्ट से जूस सीक्रेट होता है।
The pancreas is covered by a capsule of visceral peritoneum, ये नहीं लगेगा. और exocrine part जो है वहां से क्या secret होता है, मैंने बोला 99% part exocrine ही है. exocrine जो part है pancreas में वो 99% है, endocrine कम होता है. ठीक है. और ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट में कौन कौन सेल होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और होता है डेल्टा सेल. राइट. जैसे डी सेल हमने गैस्ट्रिक जूस में देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखा, तो इसमें से अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लूकागन. अल्फा से ग्लूकागन हम जानते हैं इसको, और बीटा से क्या, इंसुलिन, और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन. राइट. ये है पैनक्रियास का. समझ में आया सभी को? ये पूरा हो गया डाइजेस्टिव का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमिकल पार्ट. अभी आते हैं इसका फंक्शनल पार्ट पे. ये तक समझ में आया सभी को? ठीक है. अभी पीपीटी देखने का काम नहीं है. अभी क्या काम है? बोर्ड देखने का है सिर्फ. So, हम जानते हैं कि डाइजेशन का जो पार्ट होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस का कितने सारे स्टेप्स होता है, कितने सारे स्टेप्स होता है पूरा प्रोसेस का. बोलो. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द टोटल डाइजेस्टिव प्रोसेस? कोई आंसर नहीं दिया. देखो, फर्स्ट होता है, ये पूरा हो गया कंप्लीट. फर्स्ट होता है क्या, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन. राइट.
1, 2, 3, 4, 5 processes are involved in the total digestive process. उसमें से हम लोगों का ingestion done. अभी digestion चल रहा है, खत्म नहीं हुआ. ये process बहुत ही lengthy है, तो this is going on. ठीक है. अभी digestion में क्या होता है? The process in which large macromolecules of food are broken into the, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, the process in which the large macromolecules of food are broken into, of food are broken into smaller unstable molecules. Smaller unstable molecule with the help of enzyme. ठीक है. तो एंजाइम के द्वारा जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब बड़ा जो मॉलिक्यूल्स है, वो ब्रेक हो रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में क्या होगा फिर? It is the process by which by which end products of digestion pass through the intestinal mucosa into blood or lymph. ठीक है. अभी ये दोनों तो हो गया. एसिमिलेशन का क्या था? एसिमिलेशन तुम लोगों का मटेरियल में ही अच्छा है. एसिमिलेशन जो है वो है, तुम जो एब्जॉर्ब किया उसको कहाँ तक पहुंचना था? टिश्यू तक पहुंचना था. तो टिश्यू में जाके उसका काम आना, ये जो प्रोसेस है ये है एसिमिलेशन, मतलब जिसके लिए तुम ले रहे हो. ठीक है. मतलब पहुंचा तो दिया, अभी तो काम तो करना है. ठीक है. तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज which will be utilized or which utilize them for their activities, उसको हम बोलते हैं assimilation. Digestion जो है वो undigested parts जो है उसको बाहर निकालना, ये है digestion. तो उसमें first जो है digestion कहाँ कहाँ पे होता है? Digestion हो सकता है oral cavity में, digestion होता है स्टोमक में, डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, राइट. तो ये तीन टाइप का हम देखेंगे अभी. ठीक है. ये तीन टाइप का हम देखेंगे कि डाइजेशन जहां जहां पे होता है उसी हिसाब से. अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है डाइजेशन में मेन रोल कौन प्ले करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्ले करते हैं.
ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इसका चार भाग है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड वन इज द प्रोटीनेजेस, प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेस भी बोलते हैं। थर्ड वन इज द लाइपेजेस, लाइपेजेस। एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस। पेप्टाइडेस भी बोलते हैं इसको, हाँ। अभी कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेस जो है वो किसके ऊपर काम करते हैं, पेप्टाइडेस जो है वो काम करते हैं किसके ऊपर, ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। पेप्टाइडेस, ये पेप्टाइडेस का ना दो भाग है, एक है एक्सोपेप्टाइडेस और एक है इंडोपेप्टाइडेस। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो जो इनर पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ब्रेक करता है, इनर बॉन्ड को ब्रेक करता है लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स का करके स्मॉलर फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, हम उसको एंडोपेप्टाइडेस बोलते हैं। और एक्सो में क्या बोलते हैं, एक्सो में क्या बोलते हैं, एक्सो वो है जिसमें वो आउटर पार्ट जो है, केटामिनल पार्ट जो है उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक्स आउट आउटर एंड मार्जिनल बॉन्ड, आउटर एंड मार्जिनल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, आउटर और एंड मार्जिनल बॉन्ड, मार्जिनल पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है बेटा। अभी देखो न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं, लाइपेसिस फैट को ब्रेक करते हैं, लिपिड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अभी ये जो डाइजेशन है ना, डाइजेशन का जो मेकानिज्म है उसका भी दो पार्ट है। डाइजेशन को जो मेकानिज्म है, मेकानिज्म जो है उसको भी दो पार्ट है, मैं डाइजेशन का ही लिख दूं। डाइजेशन का दो पार्ट है, एक है केमिकल, एक है केमिकल और एक है मैकेनिकल, ठीक है। केमिकल जो है वो है तुम्हारा मसल मूव पर काम कर रहा है, बॉडी पर जो काम कर रहा है आउटर प्रेशर से। व्हाट इज रिटन आफ्टर लाइपेस, लाइपेस के न्यूक्लियस, एन यू सी एल ई एस ई एस, एन यू सी एल ई एस ई, न्यूक्लियस। लास्ट में एक ऐड करता हूँ। और मैकेनिकल जो है तुम्हारे बॉडी पर उसके प्रेशर से, ठीक है, जो सर्कुलर फुल प्रेशर दे रहा है, तुम ऐसे च्यू कर रहे हो ओरल कैविटी में, ठीक है। तो ये है मैकेनिकल। और केमिकल क्या है, तुम्हारे एंजाइम जो सिक्रेट हो रहा है सलाइवा में, वो अंदर से उसको ब्रेक कर रहा है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल, केमिकल सॉरी, ठीक है। तो केमिकल जो है वो एंजाइम के द्वारा मेनली है, मैकेनिकल जो है जो तुम्हारा जैसे च्यू कर रहे हो और पेरिस्टाल्जिक मूवमेंट्स एक्सेट्रा, दीज आर द mechanical parts, okay? So is it done? इसमें देखो पहले माउथ में आते हैं, ओरल कैविटी और माउथ, डाइजेशन इन माउथ। देखो हम लोग तो खा रहे हैं, जो सॉलिड मटेरियल हमने खाया वो च्यू किया, वो मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट में है। अभी च्यू करने के बाद क्या होता है, वो सलाइवा के साथ मिक्स होके जो फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, बोलस बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। बोलस क्या है, व्हाट इज रिटन अंडर लाइपेस, अंडर लाइपेस तो कुछ नहीं है, प्रोटीन के नीचे है, प्रोटीन और पेप्टाइडेसेस जो बोलते हैं, पेप्टाइडेसेस में दोनों भाग है, एक्सो पेप्टाइडेस और एंडो पेप्टाइडेस। एक्सो मतलब आउटर पेप्टाइड बॉन्ड को जो ब्रेक कर रहे हैं, एंडो मतलब इनर पेप्टाइड बॉन्ड। लाइपेस का कोई भाग मैंने नहीं बोला, हाँ जो बोल रही थी वो माउथ में जो डाइजेशन होता है उसमें क्या होगा, जो बोलस फॉर्म करेगा, मतलब हम जो च्यू कर रहे हैं जो फूड के साथ सलाइवा मिक्स होके बोलस फॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। सो ये जो माउथ में जब डाइजेशन होता है ना,
तो मेकेनिकल डाइजेशन तो वो मैस्टिकेशन और च्यूइंग प्रोसेस में हो जाता है, केमिकल डाइजेशन जो है केमिकल में एंजाइम मिक्स हो जाता है इसके साथ। कौन कौन एंजाइम मिक्स होता है, अभी एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन ये करना पड़ेगा। देखो कौन कौन एंजाइम मिक्स अप होता है, एक होता है म्यूसिन, एक होता है म्यूसिन, लाइसोजाइम का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, लाइसोजाइम, थायोसायनेट, थायोसायनेट और क्या है ज़ायलिन, मैंने जो बोला था ठीक है। इसमें से म्यूसिन जो है वो लुब्रिकेट करता है फूड पार्टिकल्स को, जैसे स्वेलोइंग में हेल्प हो जाएगा। लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम एक्चुअली बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, जो फूड्स में बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देते हैं। और ड्यू टू दिस रीजन द सलाइवा इज एंटीसेप्टिक, जो देख सकोगे कि हमारे मुंह के अंदर अगर कोई भी लेजन हो तो वो हमारे सलाइवा से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि सलाइवा में ये सारे एंजाइम्स है जिसके वजह से कोई भी लेजन हो ना तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को वो ही कंट्रोल कर सकता है, ये लाइसोजाइम, ठीक है। थायोसायनेट क्या है, थायोसायनेट ये भी हेल्प करते हैं, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। इट्स अ बैक्टीरियोसाइडल सॉल्ट, इट्स अ बैक्टीरियोसाइडल सॉल्ट, ठीक है। और ज़ायलिन, ज़ायलिन एक एंजाइम है और ये स्टार्च से माल्टोज और एडेक्सट्रिन फॉर्म करता है, मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इट ब्रेक्स स्टार्च। इसके साथ और एक एंजाइम भी है, उसको लिख लो तुम लोग, मटेरियल में नहीं है, उसका नाम है कैलिक्रेन, कैलिक्रेन, ठीक है, क्या नाम है कैलिक्रेन। कैलिक्रेन जो एंजाइम है ये प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है कैलिजिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, एक्ट ऑन प्लाज्मा प्रोटीन एंड फॉर्म कैलिडिन, राइट, एंड फॉर्म कैलिडिन। ये जो कैलिडिन है ये जो सलाइवरी ग्लैंड में जो डार्क से उसका वैसो डायलेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन वैसोडाइलेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, इट हेल्प्स इन वैसोडाइलेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा कौन मैसेज किया देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज रिटन अफेयर, किसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मैंने तो बोल दिया लाइपेस के अंडर तो कुछ नहीं है, लाइपेस के अंडर कुछ नहीं है, प्रोटीनेस के अंडर है पेप्टाइडेस, अभी तक क्लियर हो गया शायद, ठीक है। ओके सो ये कैलिडिन तक हो गया, अभी देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है डाइजेशन इन द स्टोमक। अभी यहाँ पे क्या दिखेगा, अभी यहाँ पे दिखेगा पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस क्या है, हमारा जो इनवॉलेंटरी सर्कुलर मसल्स है ना एलिमेंटरी कैनल का, सो ये मसल क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, मूव करने के इनवॉलेंटरी है वो, वो जब मूव करेगा हम ये जो बोलस जा रहा है बुक से
वो मूवमेंट के साथ साथ नीच में चला जाएगा, ठीक है. व्हाट इज ओरिजिन ऑफ द प्रोटीन, वहां पे प्रोटीन है. ओ एक्ट्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन एंड फॉर्म कैलेजिन, एंड फॉर्म कैलेजिन, ठीक है. सो इट्स अ पेरिस्टाल्सिस इज अ प्रोग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी सर्क्यूलर मसल व्हिच इज प्रीसीडेड बाय साइमल्टेनियस contraction of the longitudinal muscle and relaxation of the circular muscle in the lining of gut, ठीक है. तो gut में lining जो है elementary canal का, उसमें circular muscle के involuntary contraction के वजह से हो रहा है ऐसा. तो जब वो ऐसे peristalsis movement करते करते elementary canal से bolus जा रहा है, अभी bolus जाएगा कहाँ पे, bolus जाएगा कहाँ पे, वो इसोफेगस से गया, इसोफेगस में ये मूवमेंट हो रहा है ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, जाते अभी स्टोमक तक पहुंच गया. अभी इसोफेगस से स्टोमक के अंदर घुसना होगा, तो घुसने के लिए यहाँ पे एक डोर है, डोर है ना. तो ये डोर को हम बोले थे ना उस दिन कार्डियक ऑरिफाइस और कार्डियक स्फिंक्टर बोले थे ना, आज भी बोला था. हा? तो कार्डियक ऑरिफाइस और कार्डियक स्फिंक्टर तक पहुंचने के बाद ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट खत्म होता है, क्योंकि अभी वो स्टोमक में घुस जाएगा और तरीके का डाइजेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. ये जो स्टोमक स्टोमक में जाने के बाद ये जो बोलस है ना, बोलस इस मिक्सचर फॉर्म करे दैट इज काई. स्टोमक के जाने के बाद अभी ये नहीं बोलेंगे बोलस, ठीक है. स्टोमक में जाने के बाद हम बोलस को क्या बोलेंगे, सेकंड, स्टोमक को हम अभी बोलस को हम अभी बोलेंगे काई, ठीक है. काइम बोलेंगे बोलस को, ठीक है. तो अभी क्या करती हूँ, अभी स्टोमक का डाइजेशन मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि ज्यादा बाकी नहीं है. हाँ, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट ज्यादा नहीं है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बोल देती हूँ, ठीक है. तो ये तक अर्थ रहते हैं कि बोलस से काइम फॉर्म हो जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इस पर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं स्टोमक से परसू करूंगी, ठीक है. सो इज इट क्लियर, जो आज पढ़ाया मैंने, किसी के कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है इसको लेकर? ये टाइम भी हो गया आज, ठीक है. सो हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, डाइजेशन को. ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, सो बाय.